नहीं है। मैंने यहाँ तक देखा कि जो औरत को औलाद का निफास वो होता है, वो खून जो औलाद की पैदाइश के बाद आता है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, औलाद की पैदाइश के बाद, तो उनका तो ये मामला होता है कि उनके कपड़े, बिस्तर, हर चीज जला देते हैं लोग, आपको पता है 48 दिन 40 दिन के बाद। आपने देखा कभी ये? हमने देखे हम छोटे थे तो ये शहरों में होता था कि जो औरत को औलाद पैदा होती तो 40 डेज के बाद उसकी हर चीज, वो जो 40 डेज में जला देते थे, और अगर वो उस दिनों में किसी को छू ले तो बोलते थे उसको छोत हो जाता, और बोलते थे एक बीमारी होती छूने से जो इसकी गंदगी की वजह से, इसकी निफास की वजह से उसको छोत हो जाता, जिसम पे धब्बे आ जाना, रैशेस होना, बोलते इनको छोत हो गया। अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता सकता हूँ, मैंने अपने बचपन में देखा ये सब चीज, कम्युनिटी में होता था ये सारी चीज़ें। जैसे हम किसी के पास चले गए, अब उनको बच्चा हो गया, अब छोटे थे, हमको भी देखना है, उनका भी देखना है, तो अब हमारे पास तो कॉमनली ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन दूसरों लोग कैसा, अरे आप बच्चे कैसा छोड़ते हो, दूर करो औरत से, बच्चे को आपके छोत हो जाएगा, छूत छात बोलते हैं ना उस जमाने, वो छोत बोलते हैं उसको, दूर जाएगा, मत उसको हाथ लगा, वो औरत नापाक लेडी है ना, वो कैसे उसके करीब जा रहे हैं। तो छोटे थे तो नहीं समझता था, लोग बोल भी देते थे आराम से, लेकिन ये बातें बिल्कुल नोन है समाज में, खासतौर से अनपढ़ लोगों ने, और वो बूढ़े लोग जिनको तालीम नहीं है, उन्होंने ऐसा पकड़ के रखा इसको कि जिसकी कोई इंतजार नहीं, बिल्कुल ऐसा पकड़ के रखा। मेरे पास एक खातून आई, कहा कि जो है हम लोग जो है पहले शादी से पहले जो है 4 दिन रोजे नहीं रखते थे, वेरी गुड, अब शादी के बाद हम 7 दिन रोजे नहीं रख रहे, वेरी गुड, अब आपने पहले 4 दिन क्यों रखे और 7 दिन अब क्यों नहीं रख रहे। बोले शादी से पहले हमारे मायके में ये था कि हम 4 दिन ही सिर्फ वो दिन मनाते थे, बोले तो हम उस दिन नमाज नहीं पढ़ते, रोजे रखते थे, मतलब फिर तब ससुराल गए तो हमारे सास ने बोले हमारे पास 7 डेज का टाइम फिक्स है, बोले सबको 7 डेज ही मनाना है, तो हम पाक होने के बाद भी 3 दिन ऐसे ही बैठे रहते, बोले अम्मी ने बोल दिया, बोले मतलब शरीयत अपनी जगह, सास का डिक्लेयर्ड रहेगा वो कि कौन कितने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे और कितने रोजे, तो हमारे पास बोले हम जब गए शादी होगी तो हमने फौरन 4 दिन नमाज पढ़े, तो हमारे सास ने बोले बदनाम करते कि हमको, हाँ जलील करने को आए कि हमको, तरीका है या नहीं है, अल्लाह के अजाब लाते के पूरे घर के ऊपर ऐसी हालत में पड़ के। तो बोले अम्मी हमारा ऐसा नहीं ना, हमारे पास 7 दिन का सिस्टम है, ठीक है बोल। अब देखिए वो 7 दिन में से 3 दिन उसको उसकी नमाज गारत कर रहे हो, उसका रोजा गारत कर, और बोलते छुपके पड़े पकड़े गए तो बस वलवला शुरू कर देते पूरे घर में, चिल्लाना पुकारना, हार्ट अटैक आ जा रहा उनको, उनकी नफस तेज हो जा रही है, उनको हार्ट बीट बढ़ जा रही है, हमारे शोर बड़े सुन लो ना, 3 दिन तो बोल रहे हो उन्होंने, लेकिन अब ये टेंशन कैसा फैसले, बोले कैसे समझ। तो आप देख रहे हैं लोगों को नॉलेज नहीं होने से क्या होता है ये फील्ड के अंदर, ऐसे कई और पार्ट से याद रखा, जैसे मैंने बच्चे की पैदाइश की बात का बोल गया, कॉमन नहीं बोल गया, तो हमको इसको समझना याद रखें। अब अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।